हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टिप्पण में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन शेयर के बारे में, इनफैक्ट एक शेयर नहीं दो शेयर के बारे में बात करेंगे, इंफोसिस और टीसीएस के बारे में। तो सबसे पहले आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज्यादा हो उसको शेयर कीजिए। अभी आपको एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं कल एक टीसीएस का वीडियो अपलोड किया था और उसमें बताया था कि अभी बाई करना कितना सही है और आप लोग का आज के दिन उसका फ्लक्चुएशन भी देखने को मिला है। पर अभी बात करेंगे इंफोसिस के बारे में और टीसीएस के बारे में। सबसे पहले इंफोसिस के बारे में बात करते हैं, तो क्या बात करना है इंफोसिस के बारे में देख लेते हैं। तो राइट नाउ आज के दिन आपको 1887 रुपीज तक की शेयर प्राइस मिल रही है और आज के दिन फाइव ऑलमोस्ट आपको अच्छी खासी फ्लक्चुएशन ऊपर की साइड देखने को मिली है। इनफैक्ट 2% तक की फ्लक्चुएशन आपको ऊपर की साइड देखने को मिली है। इनफैक्ट ये 1.83% है, पर आप लोगों को पता ही होगा कि गूगल में थोड़ा कम करके दिखाता है, पर ऑलमोस्ट 2% की आपको तेजी देखने को मिली है। बहुत ही अच्छी बात रही है और आज के दिन बहुत ही अच्छा फ्लो भी रहा है मार्केट में। यहाँ पे अगर वही चीज हम टीसीएस की बात करें तो टीसीएस 3704 रुपीज तक ट्रेड करी है और आज के दिन आराम से 2.16% की फ्लक्चुएशन देखने को मिली है और आगे भी इसमें अच्छी खासी फ्लक्चुएशन आएगी। अब बात करते हैं थंबनेल के ऊपर, तो मैंने आप लोगों को थंबनेल में लिखा हुआ है कि गिरावट में एक गुड न्यूज। तो गिरावट कब की गिरावट की बात कर रहा था मैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते गिरावट आपको बीच में अच्छी खासी देखने को मिली थी और गिरावट में ही गुड न्यूज आई थी, पर अभी फिर से वो न्यूज निकल के आ रही है। तो आगे की ओर बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते टीसीएस में भी वही सीन था कि मतलब गिरावट अच्छी खासी थी पर अब धीरे धीरे ऊपर जा रही है। अब निफ्टी फिफ्टी पे थोड़ा फोकस करें तो आज के पूरे दिन आप लोगों को मतलब हाफ डे पूरा अगर बात करें तो अप्रॉक्स 12:30 तक में अच्छी खासी गिरावट बनाई रही थी, पर अब ऊपर जाते हुए दिखे। इनफैक्ट ऊपर भी तो गई, 1.16% तक ऊपर जाते हुए दिख चुकी है मार्केट में। अच्छा खासा फ्लो आज के दिन मार्केट में ऊपर जाते हुए दिखा है और आज के दिन की होल्डिंग्स की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि कस्टमर कितने ज्यादा ही मतलब इन्वेस्टर कितने ज्यादा ध्यान दे रहे हैं इस कंपनी पे। 60% की होल्डिंग्स बनाते हुए दिखी आज के दिन और 66% की होल्डिंग्स बनाते हुए हुए दिखी है टाटा टीसीएस। तो इनफैक्ट अगर बात करें इंफोसिस और टीसीएस में भी दोनों में अच्छी खासी होल्डिंग्स बनते हुए दिखी और कल जो मैंने वीडियो अपलोड की उसमें अप्रॉक्स 60% की होल्डिंग्स बनते हुए दिखी थी, तो आज के दिन ऑलमोस्ट 66% की होल्डिंग्स बनते हुए दिखी। मतलब पहले से भी ज्यादा मतलब ज्यादा और लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो किस चीज की बात आई है, तो टीसीएस में आप लोगों को पता है लगातार बाईबैक का ऑफर दिया जा रहा है और बाईबैक के चलते मतलब अच्छी खासी मतलब विद इन 5 ईयर्स में बहुत सारी बाईबैक्स मिल चुकी है, ऑलमोस्ट 4 पॉइंट समथिंग बाईबैक्स मिल चुकी है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब इंफोसिस से लेके क्या न्यूज है, तो इंफोसिस अब नारायण मूर्ति जी ने बोला है कि अब उनके सारे आईटी एम्प्लॉय बैक टू ऑफिस आएंगे, तो इस चीज पे बात चल रही है। अभी तक 100% ऑफिशियली न्यूज नहीं आई है, क्योंकि अगर ऑफिशियली आती तो वो लोग ट्वीट कर देते। अगर कुछ ऐसी भी न्यूज आती है तो मैं ऑफकोर्स इन्फॉर्म करूंगा और जितना ज्यादा हो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो शेयर भी कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी सबसे पहली अपडेट आपके पास आनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये सारे अपने आईटी एम्प्लॉयज को बुला रहे हैं बैक टू ऑफिस, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात है और जहां अगर ज्यादा लोग आते भी है तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होने का चांसेस बन जाता है। और यहाँ पे अगर बात करें तो आपको पता है कि ये मेरे चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं उसको रिजॉल्व करने का भी ट्राई करूंगा और कुछ भी मेरे बोलने में गलती हो गया तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं कि आपको ये इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरे अंदर या कुछ भी इसके बारे में चाहिए। तो अब आपको इन्फोसिस के बारे में कुछ और भी बता देना चाहता हूँ कि इनफैक्ट आपको पता है ये बहुत ही बेहतरीन शेयर है। अब इसमें पैसा लगाना किस तरीके से बेहतरीन रहेगा कि नहीं उसके बारे में पहले जान लेते हैं। इसमें पैसा लगाना इसलिए बेहतरीन रहेगा क्योंकि अभी आपको पता है कि ये इंफोसिस इस पॉइंट से आ चुकी है, मतलब फिर से 1900 तक की आ चुकी है शेयर। यहाँ पे 52 वीक बात करते लास्ट टाइम आई थी 1953 रुपीज तक आ चुकी थी और एक अच्छा खासा फ्लो मेंटेन की हुई थी, पर अब मार्केट में ये चांसेस है कि अभी इसको अगर आप मैं भी बोलूँ तो इसको ज्यादा आप प्रेफर कर सकते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इनफैक्ट होल्डिंग्स बनाना भी तो बना सकते हैं क्योंकि जल्दी ही ऐसा चांस लग रहा है कि बोनस इसमें प्रोवाइड होने वाला है। इन्फोसिस आपको जल्दी ही बोनस देते हुए दिख सकती है और इनफैक्ट टीसीएस में आप लोग पैसा लगा के होल्डिंग से छोड़ सकते हैं आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और एक अच्छा खासा फ्लो भी आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट आप लोग देख सकते होल्डिंग भी तो अच्छी खासी बनी हुई है। और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट माई बेल आइकन, क्योंकि मेरी सबसे पहली अपडेट आपके पास आनी चाहिए।